छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम की पेंच नदी में नहाते वक्त एक बालिका की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा के निवासी मुस्कान पिता नरेंद्र कुशमानिया उम्र 14 साल इंदिरा नगर वार्ड नंबर 11 पीजी कॉलेज रोड के पास के निवासी हैं, जो कि अपने मम्मी पापा के साथ ग्राम की इस पेंच नदी में कपड़े धोने के लिए परिवार के साथ ऑटो से आए हुए थे कि अचानक बच्चों के नहाते वक्त 4 बजे के लगभग मुस्कान के डूबने का हादसा हो गया। हालांकि एक बुजुर्ग व्यक्ति और मृतक मुस्कान के पिता ने बच्ची को बचाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह डूब गई और प्रयास असफल रहा। बहुत प्रयास और भारी मशक्कत करने पर भी वक्त मासूम बच्ची की बॉडी नदी से नहीं निकल पाई। माँ बाप सहित भाई का रो रो कर बुरा हाल है और अपनी बच्ची को ले जाने की गुहार लगा रहे हैं। नहाते वक्त अधिक गहराई में चले जाने से बालिका की मौत हो गई थी। तब भी छिंदवाड़ा के होमगार्ड सैनिक के द्वारा वक्त बालिका का शव पेंच नदी से निकाला गया। कल लगभग 3:30 बजे सूचना मिली थी कि कोई बच्ची पेंच नदी से सिंगोड़ी में डूब गई है। सूचना उपरांत 5 से 10 मिनट में हम पहुँच गए थे। मेरे साथ मेरा सैनिक बलवान थोड़ा सूचना मिलने पर 10 मिनट में हम लोग नदी पर पहुंच गए। फिर स्थानीय जो तैराक थे उन लोगों को भेज करके बच्ची को ढूंढवाया। शाम तक प्रयास किया, रेस्क्यू टीम भी शाम तक में आ गई होमगार्ड की छिंदवाड़ा की रेस्क्यू टीम की, लेकिन हम लोग असफल रहे, बच्ची मिल नहीं पाई। फिर प्रातः हम लोग सवेरे 6 बजे से फिर रेस्क्यू टीम आ गई छिंदवाड़ा से। हम लोगों ने सुबह से प्रयास किया तो अभी 10 बजे मुस्कान नाम है बच्ची का, 14 वर्ष उम्र है। तो वो दुर्घटना कैसे कैसे हो गई? वो दोनों बच्चे लोग गए थे नहाने के लिए जहाँ पे, हाँ, तो वो लड़का दोनों जन नहा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, दोनों जन वो लड़की थी, न जाने कैसा हुआ, हम तो कपड़े धुल रहे थे इधर ध्यान नहीं दे पाए, उसके बाद न जाने कैसा क्या हुआ पता ही नहीं चला।